Poem 2. As salutations to start your vacation, I will be there at the time you gave at 7 o'clock. I will be at the dock to say bon voyage with a. ठीक है, bon voyage का मैंने आपको meaning बता दिया. Bon voyage का meaning है best wishes. Voyage का meaning अभी बताया प्रियांशी ने. Voyage का क्या meaning है? Miss जल यात्रा. तो क्या कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा के लिए जब तुम अपने वेकेशन पे जाओगे उसके लिए मुझे तुम्हारे में तुम्हें उसके बेस्ट विशेस हैं, तुम्हें उसके लिए सलाम है. आई विल बी देयर एट द टाइम यू गेव एट 7 o'clock. और तुमने मुझे जो 7 o'clock का टाइम दिया है, तुमने मुझे जो टाइम बताया है, मैं उसी टाइमिंग पर वहां पर पहुंच जाऊंगा. आई विल बी एट द डॉक. डॉक मीन्स जो पानी का जहाज होता है उसे डॉक कहते हैं. और मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा डॉक पर तुम्हें बेस्ट विशेस देने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट. आई वेंट आउट टू प्ले विद माई डॉग एंड आई ब्रोक ऑफ अ ट्विग फ्रॉम अ लॉग. First we were going to fetch, then we had have fun playing catch. But Sparky can't do his next trick, cause the tree limb continues to. So क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो बच्चा है वो अपने डॉग के साथ जिसका नाम स्पार्की है उसके साथ खेलने के लिए जाता है और वो एक लॉग से एक टहनी एक ट्विग तोड़ता है. और क्या कहता है कि वो दोनों ना एक गेम खेलते हैं, मिस कैच कैच गेम खेलते हैं जो कि डॉग के साथ खेला जाता है. और वो क्या कहता है कि जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक होती है उसे स्पार्की नहीं कर पाता है, कॉज द ट्री लिम कंटिन्यूस टू, क्योंकि जो पेड़ की शाखा थी वो बहुत ज्यादा ऊंची थी, उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाता है. तो इट इज पोयम 3. एंड द नेक्स्ट वन पोयम 4, ट्वास. तो यहाँ पे जो ट्वास का वर्ड है वो मैंने क्या बताया था, इट वॉज जस्ट बिफोर सनडाउन ही होप्ड फॉर अ टच डाउन अगेंस्ट अ टीम विद मेनी अ ब्रूट. James ran for a pass. They chased him and missed. And the maple tree stood by too. So यहाँ पर बहुत सिंपल सी एक पोयम है कि कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं, उसमें एक का नाम है जेम्स और ट्वास का मीनिंग आपको मैंने बता दिया. उसका मीनिंग है इट वॉज कि सनडाउन बिल्कुल बिल्कुल सूरज डूबने वाला है और बच्चे जो हैं वो एक गेम खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि सन के डूबने से पहले उनका जो गेम है वो फिनिश हो जाए. तो क्या करते हैं कि गेम चल रहा है वो एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं. जेम्स दौड़ रहा है और बाकी बच्चे उसको चेज कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं. एंड द मैपल ट्री स्टूड बाय टू. और वहां पर एक मैपल ट्री भी है. पोयम 5, व्हाट अ फैबुलस पार्टी द एपेटाइजर. एपेटाइजर मींस मैंने बताया आपको एक छोटी सी मील जो कि हमें खाना खाने से पहले दी जाती है. ठीक है, एपेटाइजर वर्ड हार्टली with cheese and crisp crackers to munch, but the innocent drink was stronger than you had think. That orangeade sure packed a cake. बहुत अच्छी पार्टी है और उसमें appetizers को सर्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन शो किया गया है वो ड्रिंक के बारे में बताया है जो कि ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक है. ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर, यहाँ जो orangeade वर्ड यूज हुआ है, orangeade वर्ड मतलब होता है ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक. एंड 6 पोयम, You are fine with your teeth. कि आपके जो teeth हैं वो बहुत अच्छे हैं, but it's what's underneath. कि इसके नीचे क्या है? Said the dentist who was worrying some. और ये क्या, कौन कहता है? Dentist कहता है जो कि थोड़ा सा चिंतित भी है. Because every bubble means more and more trouble. क्योंकि every bubble जो होता है हमारी chewing-gum का वो तुम्हारे लिए ट्रबल कर सकता है, वो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. You should switch to sugar free. और तुम्हें sugar free होना चाहिए, मीन्स तुम्हें जो चीनी रही चीजें होती हैं वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, वो स्टार्ट करने चाहिए. सो दीज आर योर पोयम्स एंड इट इज योर ब्लॉक 10.